देखिए दोस्तों, आपने कभी ना कभी माई जियो एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, जियो सिनेमा एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, जियो साउंड एप्लीकेशन का नाम सुना होगा। सेम इसी प्रकार जियो ने अभी रिसेंटली में अपनी एक न्यू लोन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। भाई आप इधर साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका नाम है जियो फाइनेंस। दोस्तों इस एप्लीकेशन से अब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई जियो की तरफ से अब आपको पर्सनल लोन भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये सुनने में भी आ रहा है कि भाई इस एप्लीकेशन से काफ़ी इजी प्रोसेस के साथ में सिर्फ और सिर्फ आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर बिना इनकम प्रूफ, बिना बैंक स्टेटमेंट, कम सिविल स्कोर के साथ में इस एप्लीकेशन से भाई आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तो भाई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके हम लोन अप्लाई करके ही देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमसे लिए जाएंगे एंड भाई कितने से कितने रुपए का लोन दिया जाएगा, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर लाइव लोन अप्लाई करके ही देखने वाले हैं कि वाकई में ही एप्लीकेशन से लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल इस एप्लीकेशन को जियो की तरफ से अभी रिसेंटली में ही लॉन्च किया गया है। इसका जो वर्जन है अभी बीटा वर्जन में ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आया हुआ है। प्ले स्टोर पर भाई इसकी हम रेटिंग देख लेते हैं तो एप्लीकेशन को काफ़ी नई होते हुए भी यहाँ पर 4.6 की रेटिंग यहां पर मिल चुकी है। तो रेटिंग के हिसाब से तो हमें लगता है भाई एप्लीकेशन अच्छी है। बाकी हम यहां पर लाइव लोन अप्लाई करके देखने ही वाले हैं। हम यहां पर डाउनलोडिंग की बात करें तो भाई एप्लीकेशन को यहां पर 1 लाख लोगों ने फिलहाल यहां पर डाउनलोड किया हुआ है। एप्लीकेशन न्यू होने की वजह से भाई इसकी जो डाउनलोडिंग है अभी कम है, सिर्फ 1 लाख ही है, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर आपको काफ़ी सारी इसकी डाउनलोडिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर लोगों से सुना है कि एप्लीकेशन काफ़ी ईजी प्रोसेस में लोन देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लेती है, कम सिविल स्कोर पर लोन देती है, किसी भी प्रकार की इनकम प्रूफ भी नहीं लेती, आधार पैन कार्ड पर लोन दे देती है। तो भाई इसकी जो असलियत है वो हम यहाँ पर लाइव लोन अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुकी है, सिंपली हम यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लाइव मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन आप ही के सामने यहाँ पर डाउनलोड होकर ओपन यहाँ पर हो रही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो पेज पर रेगुलर स्वाइप अप करेंगे एंड नीचे आप यहाँ पर लॉगिन के बटन पर भाई क्लिक करेंगे। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद में भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपकी जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ध्यान रहे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, वही मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना है जो कि आपके आधार और पैन कार्ड से लिंक हो और हो सके वहाँ तक आपके बैंक अकाउंट से भी यही मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे एंड यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। भाई मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी से आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओटीपी से मोबाइल नंबर वेरीफाई करते ही भाई एप्लीकेशन के अंदर हम यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर आ चुके हैं और एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। भाई आप यहाँ पर देखेंगे तो इस एप्लीकेशन में लोन लेने के साथ साथ में ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सर्विसेज भी यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई आप यहाँ पर काफ़ी सारे बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के यहाँ पर डीटीएच रिचार्ज वगैरह भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात भाई ये एक यूपीआई लिंक एप्लीकेशन भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप अपने बैंक को यूपीआई के थ्रू भाई यहाँ पर लिंक करके आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह भी अपने खाते से कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी है। तो भाई यहाँ पर लोन लेने के साथ साथ में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सर्विसेज देखने को मिल जाएगी, जैसे फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी बिटार, मोबाइल रिचार्ज, जीटीआई रिचार्ज, ब्रॉडबैंक रिचार्ज, ये काफ़ी सारे रिचार्जेस आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो भाई इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू तो हम यहाँ पर बाद में दे देंगे। अगर आपको लगा कि इस एप्लीकेशन का रिव्यू हमें देना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं, मैं एक एक सर्विस का यहाँ पर रिव्यू आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं कि इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन मिलता है या फिर टोटली हवाबाजी है। तो भाई आप यहाँ पर नीचे देंगे कि यहाँ पर कॉर्नर में एक लोन का सेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो सिंपली भाई हम यहाँ पर लोन वाले सेक्शन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, भाई ये क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल तो यहाँ पर लिखा हुआ है कमिंग सून, यानी कि फिलहाल भाई इस एप्लीकेशन से लोन तो मिलेगा, लेकिन जो लोन की सर्विस है फिलहाल इस एप्लीकेशन में यहाँ पर कमिंग सून यहाँ पर शो हो रही है। चूंकि मैंने यहाँ पर शुरू में बताया ये जो लोन एप्लीकेशन है काफ़ी न्यू, काफ़ी ब्रांड एप्लीकेशन है, यहाँ पर फिलहाल जो लोन की सर्विसेज है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस जियो एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, इसका तरीका भी मैं आपको अभी बता दूंगा। आपने माई जियो एप्लीकेशन का नाम तो सुना ही होगा, माई जियो एप्लीकेशन में जाकर भाई आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माई जियो एप्लीकेशन में लोन की सर्विस आपको फिलहाल प्रेजेंट में भाई देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों उस एप्लीकेशन में बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर जो आगे का इंटरफेस वो आपको किस प्रकार देखने को मिलेगा। हूबहू तो नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज मिल सकता है। अगर यहाँ पर कमिंग सून हट जाएगा तो आगे का प्रोसेस आपको किस प्रकार देखने को मिलेगा वो आपको मैं यहाँ पर लाइव बता देता हूँ। तो भाई सब आप यहां पर देख सकते हैं, जब आप माई जियो एप्लीकेशन में जाकर फाइनेंस वाली सर्विस पर क्लिक करेंगे और लोन के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने पर्सनल पेज वाला ऑप्शन यहां पर खुलकर आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। भाई सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पर फिल करना होगा। पैन कार्ड पर जो आपका नेम है वो आप यहां पर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भाई आप यहां पर डालेंगे एंड नीचे आप यहां पर देख सकते हैं पिन कोड एज आधार, आपके आधार पर आपका जो पिन कोड है, आपके एरिया का पिन कोड है, वो पिन कोड भाई आप यहां पर फिल करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप यहां पर देख सकते हैं एंट्री योर प्रोफाइल
प्रोफाइल डिटेल। प्रोफाइल डिटेल के अंदर भाई आपका जो भी आधार कार्ड और फादर्स का नेम है, फादर्स का नेम फिल करेंगे एंड भाई आपकी जो मदर्स का नेम है, मदर्स का नेम यहाँ पर डाल देंगे। आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है कि भाई आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, दोनों में से एक यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आपकी मंथली इनकम भाई आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आप यहाँ पर प्लस का आइकन शो हो रहा होगा, प्लस के आइकन पर क्लिक करके दो आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालने होंगे, जो कि आप अपने फादर्स का नेम डाल सकते हैं या फिर फ्रेंड या फैमिली का मोबाइल नंबर डाल, उसका नेम डाल के दो एक्स्ट्रा रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। कुछ डिटेल डालने के बाद भाई आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू आर चेक योर एलिजिबिलिटी। भाई आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की जाएगी कि आपकी डिटेल के आधार पर, आपके पैन कार्ड के आधार पर वाकई में ये आपको लोन मिलना चाहिए फिर नहीं मिलना चाहिए, अगर मिलना चाहिए तो कितने अमाउंट का लोन आपको मिलना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी आपके यहाँ पर चेक की जाएगी कुछ डिटेल डालने के बाद में। भाई आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको लोन अमाउंट अगर शो हो जाता है तो आपको यहाँ पर भाई अकाउंट यहाँ पर देना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जियो फाइनेंस का एक लोगो आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होगा। जब आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको जो लोन का अमाउंट शो हो जाता है कि भाई आपको कितने रुपए का अमाउंट मिलेगा, इसके बाद में भाई आपको अपने बैंक की डिटेल यहाँ पर देनी होगी जिस बैंक में आप ये लोन का पैसा चाहते हैं, तो भाई आपने बैंक का नेम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद भाई यहाँ पर इस एप्लीकेशन में बैंक स्टेटमेंट भी आपसे मांगा जा रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे और भाई 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब भाई थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जैसे मैंने यहाँ पर जियो फाइनेंस के बारे में बताया, जियो फाइनेंस में हो सके जब कमिंग सून वाली सर्विस हट जाए वहाँ भी बैंक स्टेटमेंट भाई चाहे नहीं मांगा जाए, लेकिन माई जियो एप्लीकेशन से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो ये तो भाई टाइम ही बताएगा जब कमिंग सून वहाँ पर हट जाएगा जियो फाइनेंस वाली, तो पता चलेगा कि यहाँ पर भाई आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाएगा फिर नहीं मांगा जाएगा। फाइनली ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद में सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि हमें लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हमारा लोन रिजेक्ट होगा या फिर अप्रूव होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैंक के जो डिटेल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली फैच यहाँ पर हो चुका है, यानी बैंक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर डाल दिया है। बैंक स्टेटमेंट डालने के बाद में भी हमारे जो माई जियो एप्लीकेशन में वो लोन भाई यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। अब इसका रिजेक्ट होने का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये जो लोन है मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है मैंने ऐसे ही कोई नॉर्मल बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड किया है जिसमें जो मेरा अकाउंट उसमें काफ़ी कम ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, इस वजह से मेरा लोन यहाँ पर डिसअप्रूव हो चुका है। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट देना है तो उस बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देना होगा जिस बैंक से आप नॉर्मली लेन देन करते हो, जिससे आप अच्छा खासा ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, उसी बैंक का स्टेटमेंट आपको देना है, तो आपको जो लोन है भाई यहाँ पर सक्सेसफुली अप्रूव हो जाए और पैसा आपके खाते में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। फिलहाल तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन से कुछ ज्यादा अनुमान नहीं मिला है। जब आप जियो फाइनेंस वाली एप्लीकेशन में आएंगे और लोन वाइज सेक्शन वाले पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे जब कमिंग सून वाला ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा तो एक्चुअल चीजें तो हम तभी बता पाएंगे कि लोन किस प्रकार आप अप्लाई करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिया जाएगा। भाई आप यहाँ पर थोड़ी दिन का वेट कर सकते हैं, जैसे भाई यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन से ये कमिंग सून वाली सर्विस यहाँ पर क्लियरली हट जाएगी तो हमारी चैनल पर आपको तुरंत ही वीडियो देखने को मिल जाएगा और आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में जियो फाइनेंस लोन एप्लीकेशन से आप किस प्रकार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें थोड़ा बहुत आइडिया था, वो आइडिया हमने इस वीडियो में शेयर कर दिया है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई अब तक भी अगर आप लोग हमारे ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से एक प्यारी से कमेंट करिए कि यस सर हमें तुरंत ही वीडियो चाहिए, जब ये कमिंग सून हट जाए तो इस एप्लीकेशन से आप किस प्रकार लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसका हमें तुरंत वीडियो चाहिए। तो जल्द से जल्द मैं वीडियो लाने के लिए आपकी कोशिश करूंगा, तो एक प्यारी से कमेंट जरूर करें भाई कमेंट सेक्शन में जाकर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी और यूनिक वीडियो के साथ में, अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।